थोड़े समय के लिए अपने मन को सभी बाह्य बातों से दूर कर ले और जितनी तन की एकाग्रता उतनी मन की एकाग्रता सहज अनुभव होगी। तो थोड़े समय के लिए अपने मन को बाह्य बातों से समेट लो। स्वयं को आत्मनिश्चय करो। अंतर चक्षु से भ्रुकुटि के मध्य में स्वयं को देखो। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं, मालिक हूं। मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हूं। धीरे धीरे मन को और बुद्धि को देह और देह की कर्मेंद्रिय से न्यारी कर एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। पांच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार परम धाम में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है वहां मैं स्वयं को देखती हूं। एक प्रकाश पुंज के रूप में स्वतंत्र संपूर्ण मुक्त अवस्था में इस परम धाम में मैं आत्मा अपने अनादि संस्कारों में सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूं। इस परम धाम में मैं स्वयं को उस पिता परमात्मा के सानिध्य में देख रही हूं। परमात्मा मात पिता की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करती परमात्मा मात पिता की
प्रेम की पालना में स्वयं को देख रही हूं। वही मेरे परम शिक्षक परम सतगुरु है। मैं कितनी न सौभाग्यशाली आत्मा जो परमात्मा वरदान के पात्र आत्मा बन गई। परमात्मा परम सतगुरु के रूप में सर्व वरदानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। वही मेरे खुदा दोस्त भी है। जीवन साथी भी है। सर्व संबंधों का सुख मैं उस पिता परमात्मा से अनुभव करती हूँ। परमात्मा का साथ और हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे मन और बुद्धि को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करती है और समा जाओ, खो जाओ उस परमात्मा प्यार में। कितना सुंदर अनुभव है ये। सर्व शक्तियों का अनुभव है। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटि के आसन पर स्थित होती और सर्व कर्मेंद्रिय पर सूक्ष्म इंद्रियों पर अपना अधिकार प्राप्त करते हो। मैं आत्मा मालिक हूं। ओम शांति।
शांति।